चंचलों की खैर नहीं। लड़कियों को जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट का दिया जाएगा प्रशिक्षण। एक बैच में होंगी लगभग 200 लड़कियां। पहला बैच रीवा के कन्या महाविद्यालय में हुआ प्रारंभ। महिला अपराधों पर रोकथाम लगेगी। मंचलों की खैर नहीं। लड़कियों को जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट का दिया जा रहा प्रशिक्षण। एक बैच में होंगी लगभग 200 लड़कियां। पहला बैच रीवा के कन्या महाविद्यालय में हुआ प्रारंभ। महिला अपराधों पर रोकथाम लगाना उद्देश्य। मंचलों की खैर नहीं। हर लड़की होगी जूडो, कराटे में प्रशिक्षित। इस सोच को आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम देकर कन्या महाविद्यालय रीवा में आयोजित किया जा रहा। 200 लड़कियों को हर महीने जूडो, कराटे, ब्लैक बेल्ट का प्रशिक्षण देने का है टारगेट। महिला सुरक्षा शाखा द्वारा 15 दिवसीय जूडो, कराटे का प्रशिक्षण देने के लिए इसके पीछे उद्देश्य महिलाओं को आत्मरक्षार्थ प्रशिक्षित करना। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा छात्राओं को स्वयं सिद्धा आत्मरक्षार्थ प्रशिक्षण का आयोजन करने का कहा गया था, जिसके चलते मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के साथ रीवा में भी दिया जा रहा प्रशिक्षण। कन्या महाविद्यालय में महिला सुरक्षा द्वारा उक्त कार्यक्रम आयोजित किया जो 15 दिन का होगा। महिला सुरक्षा शाखा TI उषा सिंह सोमवंशी ने बताया, प्रशिक्षण में महारत प्राप्त प्रशिक्षक जूडो, कराटे का प्रशिक्षण छात्राओं को दे रहे हैं। प्रशिक्षक पूरी तरीके से ट्रेंड है, वो निश्चित रूप से बेहतर तरीके से लड़कियों को प्रशिक्षित कर सकेंगे, जिससे समय पड़ने पर लड़कियां अपनी आत्मरक्षा करने में सफल रहें। उनको इस तरीके से हम प्रशिक्षित करेंगे कि जरूरत पड़ने पर वो अपनी रक्षा कर सकें, जिसके चलते यह सोच छात्राएं स्वयं अपनी रक्षा करें और विकसित होगी। हर समय पुलिस नहीं पहुंच सकती। अगर लड़कियों को जूडो, कराटे का प्रशिक्षण प्राप्त होगा तो वह अपनी रक्षा कर सकेंगी, जिससे अपराधों में कमी आएगी। महिला अपराधों में रोकथाम उद्देश्य को लेकर छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में 15 दिवसीय कन्या महाविद्यालय रीवा में दिया जा रहा है, जो आज से प्रारंभ हो गया। इसके साथ ही यह कार्यक्रम लगातार एक साल तक जिले के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में चलेगा। यहाँ पर लड़कियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। अभी हाल ही में हमने 200 छात्राओं के प्रशिक्षण को प्रारंभ किया है, जो अब लगातार जारी रहेगा, पूरे साल चलेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर हमने उषा सिंह सोमवंशी TI महिला सुरक्षा शाखा से बात की। सुनिए आप उनका क्या कुछ कहना। आगामी 2 वर्षों में मध्य प्रदेश में अपराध नियंत्रण हेतु एक कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें महाविद्यालय और विद्यालयों की छात्राओं को 2 वर्ष में कम से कम 2.5 लाख छात्राओं को कराटे, जूडो कराटे से प्रशिक्षित किया जाएगा। इस हेतु आज शासकीय कन्या महाविद्यालय GDC कॉलेज रीवा में कराटे का प्रोग्राम रखा गया, आज शुभारंभ किया गया, जो 15 दिवसीय निःशुल्क कराटे क्लासेस चलेंगी, जिसमें ब्लैक बेल्ट, ताइक्वांडो सुश्री दीक्षा गोस्वामी द्वारा और उनकी टीम द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। इसमें कॉलेज में लगातार ये प्रशिक्षण चलेगा, जिसमें 200 के बैच बना के ये साल भर हम प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएंगे, जिससे कि छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़े और वो अपराध के प्रति जागरूक हों और अपनी रक्षा स्वयं कर सकें, क्योंकि पुलिस हर जगह पहले नहीं पहुंच सकती। तो उनको स्वयं सिद्धा प्रोग्राम के तहत आत्मनिर्भर और मजबूत बनाया जाएगा। 200 बच्चे अभी शामिल हैं और ऐसे बैच करके हम हर महीने वहाँ पर ये प्रशिक्षण चलाएंगे। स्कूल के बच्चे भी हैं। अभी हमने सरस्वती शिशु मंदिर में भी कार्यक्रम चलाया था, जिसमें 350 लड़कियाँ लाभान्वित हुई और शहर के अन्य स्कूलों में भी लगातार कराटे क्लासेस और आत्मरक्षा प्रशिक्षण निःशुल्क चलाया जाएगा।